एनिमल इन एक्टिविटी फर्स्ट था कॉन्टेंट्स डेफिनेशन ऑफ एनिमल इन एक्टिविटी दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल एक्टिविटी दैट इज द टॉर्पोर हाइबरनेशन विंटर स्लीप एंड द एस्टिवेशन फर्स्ट था डेफिनेशन ऑफ एनिमल इन एक्टिविटी स्टूडेंट सिंपल जो वर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन एक्टिविटी का मतलब यह है वेन द एनिमल इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज एनिमल एक्टिंग एक्टिविटी एक्चुअली वो टाइम है जिसमें एनिमल अपनी नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर रहा होता है तो वैन द एनिमल इज नॉट परफॉर्मिंग नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज इट इज एक्चुअली द टाइम ऑफ सम एक्सट्रीम कंडीशन सपोज देर इज नो फूड द एनवाइल कंडीशन आर वेरी सिवियर इन बोथ केसेज द एनिमल इट विल स्टॉप फीडिंग एंड इट विल गो टू सत प्लेस वेयर इट कैन ले फॉर सटन टाइम इन द इन एक्टिव फॉर्म तो इन एन एनिमल एक्टिविटी इन एक्टिविटी जो है क्या विच देर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड वैन देर इज सिवेटी द एनिमल इट स्टॉप फीडिंग एंड गो इनएक्टिव एंड इट इज इनएक्टिव विद इट इज दीरियड ऑफ इनएक्टिविटी सो ड्यूरिंग इनएक्टिविटी दिलटाबोलिज्म ऑफ एनिमल इट डिक्रीजिज तो मेटाबोलिज्म क्या होगा इट विल

कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव अगर होता है तो वी से इट इज द टारोर द बेस्ट एग्जाम्पल इज द फॉर हमिंग बर्ड हमिंग बर्ड अगर हम देखे तो अ वेरी स्मॉल बर्ड है इट इट इज एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम ये फीड करता है लेकिन हमिंग बर्ड का मेटाबोलिक रेट इतना हाई होता है कि जो कुछ फीड करता है वो साथ साथ यूटिलाइज हो जाता है तो रिजल्ट ये है कि हमिंग बर्ड के पास फूड स्टोरेज नहीं है वट विल हैपन एट नाइट रात के वक्त क्या होगा अगर रात के वक्त हमिंग बर्ड का मेटाबोलिज्म उसी स्पीड से चलता रहे जैसे दिन को चल रहा होगा तो रिजल्ट यह होगा कि उस स्पीड से मेटाबोलिज्म को चलाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं है तो हमिंग बर्ड की फौरन से डेथ हो जाएगी तो नेचर ने क्या किया है कि इसको एक खास वे में जो प्रोटेक्ट किया है कि ड्यूरिंग नाइट जैसे ही हमिंग बर्ड का फूड जो है उसने यूटिलाइज कर लिया है, तो इसका मेटाबोलिक रेट सडनली डिक्रीजेज मेटाबोलिक रेट डिक्रीज कर जाता है Similarly, its temperature, body temperature also decreases and it become almost inactive. ये inactive हो जाता है और ये सारी रात जो तब इसी inactive phase में गुजार जाता है। इसके benefit क्या है? जब ये inactive है तो इसकी metabolism इतना slow है, इतना low है कि वो survive कर जाएगा। उसको energy बाजीदर feeding जो है वो जरूरत नहीं होगी। But during day time again, जैसे day time आएगा, animal अपने torpor से दोबारा क्या होगा? Reactivate होगा। इसका body temperature increase होगा, metabolism दोबार बहाल होगा इट विल फ्लाई एंड इट विल ऑपरेन द फूड इससे ट्वेंटी फोर आवर के दौरान अगर कभी एनिमल इनएक्टिव होता है तो उसका हम टार्पर बोलते हैं दिस इज स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ हमिंग बर्ड एंड द बैट्स बैट्स भी जो होती हैं वो भी क्या करती हैं टार्पर से गुजरती हैं द सेकेंड इज द हाइबरनेशन हाइबरनेशन जी सेकेंड इन एक्टिविटी पीरियड है एनिमल्स का विच एक्चुअली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग विंटर एंड इट लास्ट फ्रॉम फ्यू वीक्स टू सेवरल मंथ्स ये कई महीनों वीक से लेकर चंद वीक से लेकर ये कई महीनों तक इन एक्टिविटी पीरियड वो होता है अच्छा अगर हम देखें तो जो और हाइबरनेशन में फर्क है जो ट्वेंटी फोर एक दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है टारपर जबकि हाइबरनेशन जो होता है इसका टाइम स्पेंड वो वीक से लेकर मंथ्स तक होता है अगेन केस ऑफ हाइबरनेशन हाइबरनेशन में क्या होगा कि जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है इट विल डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाएगा इसके अलावा इसके जो है वो बॉडी टेम्परेचर इट विल आल्सो डिक्रीज फॉर एग्जांपल द मेनी ऑफ द एनिमल्स दे आर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज अप टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द हाइबरनेशन प्रोसेस सो हाइबरनेशन के मैं अगर देखें बहुत सारे वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं हाइबरनेट वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर रोडेंट्स श्रयूज एंड द बैट्स हैं हाइबरनेट ड्यूरिंग द विंटर अच्छा ड्यूरिंग हाइबरनेशन द एनिमल्स दे इवन दे है थर्मोरेगुलेटरी प्रोसेस मसलन हाइबरनेशन में क्या हुआ कि एनिमल का नॉर्मल टेम्परेचर था थर्टी सेवन हाइबर्नेशन के दौरान उसका टेम्परेचर सेट हो गया सेवनटीन के ऊपर अब सेवनटीन के ऊपर ही थर्मोरेगुलेशन होगी जबकि एक्टोडर्म के, के केस में ऐसा नहीं होता एक्टोडर्म आमतौर तो पर अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं जैसे स्नेक्स वगैरह अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो अगर विंटर बहुत सीवियर हो जाए तो फिर एक्ट्रोडर्म्स की आमतौर पर ड्यूरिंग हाइबोनेशन डेथ हो जाती है थर्ड वन विंटर स्लीप विंटर स्लीप एक ऐसी कंडीशन जिसमें द बॉडी टेम्परेचर जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर आमतौर पर बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप नहीं करता है एनिमल गॉड स्लीप एनिमल सो जाता है लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप नहीं करेगा बॉडी टेम्परेचर ना ड्रॉप करने का मतलब यह है कि वो किसी भी टाइम पर दोबारा एक्टिवेट हो सकता है बॉडी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है बियर्स जो हैं वो नॉर्मली हाइबरनेट नहीं करते बल्कि वो विंटर स्लीप करते हैं इसलिए वो जब कंडीशन बेहतर होती है दे गॉट अप एंड स्टार्ट फीडिंग एस्टिवेशन थर्ड टाइप फोर्थ टाइप ऑफ एनिमल एक्टिविटी इज द एस्टिवेशन एस्टिवेशन इज द एनिमल एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन या हम ये कहते हैं कि ड्यूरिंग समर शदीद गर्मी के अंदर जो एनिमल इन होता है जिसको हम क्या कहेंगे इट इज द एस्टिवेशन है सो एस्टिवेशन आमतौर पर तब होगी जब ड्रॉट कंडीशन होगी ड्राई कंडीशन होगी वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती है इस केस में क्या होगा कि ड्यूरिंग एस्टिवेशन द एनिमल दे बरी दैम सेल्फ इन टू द मर्ड एनिमल्स अपने आपको मर्ड के अंदर किचड़ के अंदर दंसा लेते हैं और उसके बाद दे स्पेंड देयर टाइम देयर। अनलेस द कंडीशन आर बेटर एंड दे कम आउट अगेन दिस जब कंडीशन बेहतर हो जाएंगी वह दोबारा बाहर आ जाएंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स और इवन फ्रॉग्स जो हैं दे गो थ्रू एस्टिवेशन ड्यूरिंग द एक्सट्रीम समर